है, उसके कारण कई कानून बने हैं और उसके कारण शायद कुछ समाधान होगा। बीजेपी ने, कांग्रेस ने हमको निराश कर दिया, हताश कर दिया, ठीक है हम क्या करें? आप उनको हटाकर दूसरों को चुनिए। ओके मैम, आप बताइए सुमित्रा जी, बात अभी बच्चों ने कही है, विद्यार्थियों ने कही है, मैं इनकी चिंता से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ। ओके, और मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहती हूँ बच्चों, आप मेरे बच्चों के बराबर हो, कि ये दोनों जो जो राजनीतिक जो पार्टियां हैं, जो एक के बाद एक सत्ता में आती जाती रही है राजस्थान के इतिहास में, इनकी नीतियों में कोई अंतर नहीं है, लेश मात्र का भी अंतर नहीं है। ये सब न उदारवादी नीतियां ही चलाती हैं, निजीकरण की पक्षधर है, जो मल्टीनेशनल कंपनियां उनको सब ये बढ़ावा दे रही हैं, भट्टा बिठाने में लगे हुए हैं पूरे देश का। आपको रोजगार न कांग्रेस राज में मिल सकता है, न भारतीय जनता पार्टी के राज में मिल सकता है। इन नीतियों का विरोध करना सीखो आप, मिलने आप ऐसे ही करोगे, बिल्कुल नहीं करेंगे आप नेता, आपको नहीं, ये आप गलत कर, ये दावा आपका गलत है, किसी भी पार्टी का विधायक बनता है, आपका दावा गलत है, क्योंकि आप तभी तो भट्टा बिठा देते हो, यूथ यूथ का बस हो गया। चंदवाड़ी में हमारे साथ में कुछ और लोग हैं जो अपनी बात कहना चाहते हैं। हाँ बोलिए। अनुसूचित जाति के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, अनुसूचित जनजाति के लिए बहुत किया जा रहा है, देवनारायण योजना रहो, स्कूटी रहो या कुछ भी रहो, पर जनरल जो व्यक्ति हैं या जनरल जो कास्ट है उनके लिए सरकार कर क्या रही है और फिर कहती है कि जनरल लोग घर से निकलो और वोट देने जाओ, तो हम वोट देने क्यों जाएं? हमारे लिए क्या योजनाएं चलाई जा रही है? कुछ भी योजनाएं नहीं है, तो मन कैसे हमारा करेगा कि हम वोट देने के लिए वहां जाएं? मैम, मैं भाजपा और कांग्रेस सभी के नेताओं से पूछना चाहती